काफी ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है। हरी माँ पार्टी पर आप देख सकते हैं हम सही है। मैम क्या कहेंगी हलीमा मैम क्या कहेंगी? आप पीछे हो जाए अगर मुझे लग रहा है आप पीछे आ जाए वह पीछे उसके अंदर नहीं उधर खबरदार में सुन रहे आप वो भाई रास्ता जो मिल जाएगा कोई बंदा दूसरी साथियों को आगे जाने देंगे हां हां छोड़ दो छोड़ दो पहले मिस भाई इमरान खान जिंदाबाद शर्म करो हया करो नहीं कोई नहीं। ये तो आप इमरान खान को रिहा करवाते करवाते खुद ही गिरफ्तार हो गई। कोई बात नहीं खान खान से मोहब्बत नहीं हमारी हमारे मुल्क से मोहब्बत ऑर्डर पर पेश कर दिया गया है। पहले लीमा खान को यहाँ ला के वापस ले गए थे, अब अलीमा ख़ान को दोबारा लेके आ गए हैं। 3:30 बजे का टाइम था और अलीमा ख़ान को पेश नहीं किया जा रहा था। अलीमा ख़ान को अदालती हुक्म के बाद अदालत ले आए हैं। वक्त ताज़ा मनाजर आपको दिखा रहे हैं, लाइव मनाजर दिखा रहे हैं कि अलीमा ख़ान को इस वक्त अदालत पेश कर दिया गया है। पहले अदालत पेश के बगैर ही अलीमा ख़ान को वापस ले गए थे, अब अलीमा ख़ान को अदालत पेश कर दिया गया है। पीटीआई वकला आलिया हमजा और पीटीआई वकला की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं अलीमा ख़ान की बहन कल एहतजाज में मौजूद थी, आज पूरा दिन अदालत में आई। इनके अलावा पीटीआई की क़यादत जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आई। अभी अलीमा ख़ान और इमरान खान की बहनों को और बाकी जो ख़वातीन वर्कर्स हैं उनको अदालत था। 3:30 बजे का टाइम था, 15 मिनट बाकी हैं और अलीमा ख़ान को दोबारा अदालत पेश कर दिया गया है। दूसरी जानब आपने मनाजर देखे कि जो पीटीआई कारकुनान है उनको जब अदालत पेश किया जाता है तो एक गाड़ी में 40-40 लोगों को डालकर लाया जाता है, जिसकी वजह से कुछ कारकुनान ने शिकायत की कि वो बेहोश भी हो गए हैं। और इस तरफ देख सकते हैं आपके इस गाड़ी में ख़वातीन को लाया गया है, जिसमें अलीमा ख़ान, इमरान ख़ान की बहनें और बाकी जो ख़वातीन हैं जो कल गिरफ़्तार हुई थी एहतजाज से उनको यहां पर पेश कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। ये आप इनसे पूछिए ना कि किधर लेकर गए थे, और आप अंदर से सुन रहे हैं ना कि ख़वातीन को जिस तरह से इन्होंने खड़ा किया, और उनके जज्बे भी आप देख लें कि वो इस वक्त क्या नारे लगा रही हैं कि शर्म करो हया करो खान को रिहा करो। इन ख़वातीन से आप लोग डरते हैं, इन ख़वातीन पर आप दहशतगर्दी के मुकदमे कर रहे हैं, सबने देखा है कि यहाँ क्या हालात हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस फसलायत का ये
हुकूमत मुजाहरा कर रही है ना, तो ये बात अगर घर की माओ बहनों बेटियों तक ले आए ना तो ये आग सबके घर में। क्या लगता है आप पेश करेंगे अब भी यहाँ से हाजिरी लगा के वापस? देखिए मेरी एक बात सुने, पहले इन्होंने हमारे कारकुनीन के साथ भी यही किया है, उनको ये जो तपती वैन्स में लेकर आते हैं और उसके बाद उसी तरह से उनकी हाजिरी लगाकर ये लोग यहाँ से लेकर जाते हैं। तो मैं सिर्फ इतना बता दूँ, इतना जुल्म आप पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तानी खवातीन पर मत करें। और मैं ह्यूमन राइट्स वालों से ये कहना चाहती हूँ, आप लोग कब जागेंगे? जो हमारी खवातीन हमारे लड़कों के साथ हो रहे, जिस तरह से हमारे लड़कों के ऊपर तशद्दुद किया गया पूरी पूरी रात, उनको उनकी हालत आप सब लोगों ने देखी। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ आपकी मुलाकात भी हुई अलीमा साहिबा से, क्या उनका मौकफ था, क्या कहना था उनका? मेरी कल मुलाकात नहीं हुई है। पेश किया गया है? जी मेरी नहीं हुई है, हमारे लॉयर्स की हुई होगी। मेरी कल मुलाकात नहीं हुई है, नहीं उनकी तरफ से यही था कि इनको लेकर आए और बहुत जल्दी से इनको यहाँ से निकाल कर ले गए, इनको रादारी रिमांड के ऊपर। मुझे आप ये बताएं ना, कौन सी ऐसी दहशत गर्दी की है कि आपको जिस्मानी रिमांड चाहिए? जिस्मानी रिमांड खवातीन के इस मुल्क में एक आम सी बात बन गई है, जो आज तक कभी नहीं होता था, मतलब और वो भी सियासी खवातीन के ऊपर, और वो भी मतलब ये तो बेने हैं खान साहब की, जिन्होंने सियासत में भी वो सिर्फ अगर आई हैं तो वो अपने भाई के लिए खड़ी हैं। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो इमरान खान साहब की हालत आकर बाहर अवाम को बताती हैं या खान का पैगाम बताती हैं। आपको खान के पैगाम का भी डर है, खान की बहनों का भी डर है, खान की बीवी का भी डर है, पूरे पाकिस्तानी अवाम से आप डरे डरपोक हैं। आप भी एहतजाज में मौजूद थी, आप गिरफ्तारी से कैसे बच निकले? मैं तो हर एहतजाज में मौजूद थी, 16 महीने से तो भी जेल रही हूँ मैं, 16 महीने जेल रही हूँ। उसके बाद से मैं रोज़ अदालतों में पेश हो रही हूँ, कभी फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोधा, पिंडी, इस्लामाबाद, कौन सी अदालत रहेगी है जिसमें मैं पेश की हुई हूँ। और अब की बार तो जी मैं डी चौक पर भी थी, मेरे साथ कारकुनीन की इतनी बड़ी तादाद थी, उन्होंने शेलिंग के लिए भी वो हमारे आगे थे, और जब एक बड़ी तादाद होती है ना आपके साथ कारकुनीन की, पुलिस के लिए मुश्किल। ठीक है, जो आप देख रहे हैं कि खवातीन को निकाला जा रहा है अलीमा खान साहिबा और बाकी जो खवातीन थी उनको कैदी वैन से निकाला जा रहा है। यार मैं निकल जाऊंगी, क्या तरीका कार है हमारे ऊपर चढ़े हुए, ये मैम ये भी हमारे ऊपर चढ़े हुए थे, इनको पीछे कर दो पीछे हो जाए यार, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, सर्कल बना लेना आपका हाथ से, आपके चैन से कोई बंदा आगे ना, कोई बंदा आगे ना, पीछे आ जाना, पीछे करो, पीछे 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 ये अली ज्यादा।